संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर कैंप कार्यालय में मिल रहे हैं आम लोगों से। थोड़ी देर में रवाना होंगे बूंदी के लिए, तो थोड़ी देर में यहाँ से बूंदी के लिए वो रवाना होंगे। पर उनकी खासियत भी है और लोकप्रियता भी है कि जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को वो सुनते हैं, और उनकी कोशिश और कवायद भी यही रहती है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान वो कर सके। अभी तस्वीरें ज़रा देखिए आप, संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर कैंप कार्यालय में आम लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जनता दरबार भी उनकी ओर से लगाया जाता है वक्त वक्त पर। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और आज अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी दौरे पर है बिरला। आज बूंदी को बिरला साहब कई सारी सौगातें हैं, खासकर रेल विकास के बहुत सारे काम बूंदी की झोली में आने वाले हैं। बूंदी एक ऐतिहासिक पुरातत्व संस्कृति का एक ऐसा शहर है जहाँ आप देखेंगे कि वहाँ की किले, बावड़ियाँ, छतरी, वहाँ की चित्रलेखा, पुरातत्व चित्रलेखा, उसको देशी विदेशी पर्यटक देखने आते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों के को बेहतर सुविधाएं मिले, रेल यात्री के रूप में बेहतर सुविधाएं मिले, रोड कनेक्टिविटी के मामले में बेहतर सुविधा मिले। इसलिए पिछली बार 180 करोड़ रुपए की लागत से जो कोटा से देवली का रोड जो खराब हो गया था उसको सीमेंटेड रोड कराया जा रहा है। इसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी के रूप में आने वाले समय के अंदर बूंदी के अंदर रेल कनेक्टिविटी बेटर होगी। बूंदी के अंदर रेल की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हमारी ऐतिहासिक और पुरातत्व संस्कृति की झलक भी उसमें नज़र आए। इसलिए वहाँ पर जो चित्रलेखा होगी बूंदी के बूंदी को दर्शाती होगी। इसी के साथ आने वाले समय में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भी बूंदी, कोई कोटा बूंदी को सौगात है, बूंदी में बनेगा लेकिन कोटा बूंदी के लोगों को उसकी सौगात मिलेगी। तो बूंदी को हम जितना पर्यटन दृष्टि से डेवलप कर पाए उसके प्रयास जारी हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा केशव पाटन, केशव भगवान का मंदिर जहाँ मेन मंदिर भी है, जहाँ आस्था के केंद्र हैं, उसको भी हम एक बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे ताकि इधर रंगपुर का छोर और चंबल नदी का उधर केशव पाटन भगवान का हमारा मंदिर, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए उसमें बोटिंग हो सके, दोनों स्थानों को ठीक से डेवलप हो सके। इसकी कार्य योजना बन चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट होने के बाद केंद्र सरकार से इसको स्वीकृति कराएंगे ताकि बूंदी को एक ऐतिहासिक पर्यटन संस्कृति की का शहर बना सके। तरक्की के साथ सांस्कृतिक उत्थान भी बूंदी का होगा बिरला साहब, लेकिन बूंदी में बाघ की दहाड़ कब तक सुनाई पड़ेगी? बूंदी में आपने सही कहा कि बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को स्वीकृति मिली है और वहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही सवाई माधोपुर से बाघ आ जाता है। अब उस अभयारण्य को और डेवलप करेंगे, उनके सफारी भी शुरू करेंगे ताकि पर्यटकों को जहाँ किला बावड़ी देखे वहाँ पर वह जंगल सफारी भी करें, इसके लिए भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो आज का ओम बिरला का दौरे का दिन पूरी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के लिए समर्पित है, और बड़े ऐलान 180 करोड़ की लागत से कोटा देवली का जो नेशनल हाईवे है वो पूरा सीमेंटेड हो रहा है। साथ में ओम बिरला ने ऐलान किया है कि बूंदी में रेल विकास के काम तो होंगे ही होंगे, लेकिन केशवराय भगवान का जो प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है उसके पुनरुत्थान की और उसके पुनर्निर्माण की योजना भी केंद्र सरकार से मंजूर कराएंगे। और साथ में बड़ा ऐलान उनका ये भी कि बूंदी में जल्द ही रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य में बाघ की दहाड़ भी सुनाई पड़ेगी। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बूंदी।